ये माबद आमून है। आज हम मिस्रियों के खुदाए अजीम आमून के बेदार होने के मरासिम सुबह बेदारी में शिरकत करेंगे। यानी आमून मिस्रियों का अजीम खुदा गुज़िश्ता शब महवे ख्वाब था? हाँ, आमून और दीगर तमाम खुदा रातों को आराम करते हैं। अगर रात के किसी पहर कोई अपने खुदा से राजो न्याज करना चाहे तो फिर वो क्या करे? बंदों को भी चाहिए कि अपने खुदाओं की तरह रात को आराम करें। खुदाओं ने दिन का वक्त बंदों का खुदाओं से राबता करने के लिए मखसूस किया। अंदर चले। फकत आमून के पैरकारों और अहलिया ने मिस्र को दाखिल होने की इजाजत है। गैर मुतल्लिक़ अफराद का दाखिला ममनू है। तमाम काहिन पहले अपने आप को नीले मुकद्दस से पाक करते हैं। वो सब माफ़त में दाखिल होने के लिए आमादा खड़े हैं। सिवाय काहिनों के किसी को भी माफ़त में दाखिल होने की इजाजत नहीं। इन चीजों से आमून को गुस्ल देकर पाक किया जाता है, उसका लिबास तब्दील करके आरास्ता किया जाता है और बेहतरीन अत्र से मुअत्तर करते हैं और इस तरह इसे इबादत के लिए आमादा करते हैं। यानी कोई भी बंदा खलवत में या किसी और जगह आमून की परस्तिश नहीं कर सकता? नहीं, खुदाया ने आमून की इबादत सिर्फ माबत में और खुद उसके सामने ही कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि खुदा हर जगह मौजूद है।
اے ہمارے خداوند آمون کی عظیم روح جس نے آسمان کی سندھ پرواز کی, زمینی اور مادی جسم کی صورت میں واپس لوٹا اور اپنے بندوں اور پرستاروں کے امور ایک بار پھر اپنے دست قدرت میں لے لے. اے خدائے امون کبیر, اے خدائے عظیم امون کبیر, اے خدائے عظیم امون کبیر, خیر و سلامتی کے ساتھ بیدار ہو جا, خیر و سلامتی کے ساتھ بیدار ہو جا. ان نذرانوں اور قربانیوں کے جوہرِ اصل کو قبول فرماتے ہوئے تناول فرمائیے اور انہیں زمین والوں کے لیے معتبر رکھ کیجیے. کافی ہے, اٹھا لیجیے اور اسے تقسیم کر دیجیے.
देख रहे हो आमू कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना बेहतरीन उसे आरास्ता किया गया। इसके परस्तार इसके जरो जवाहरात उठाकर नहीं ले जाते? नहीं, काहिन जो मुहाफिज है कोई भी ऐसी जरूरत नहीं कर सकता। ऐसा ही होना चाहिए, वरना तो मुमकिन है चोर आमून के जेवरात चुरा कर ले जाए। मैं तो समझता था कि आमून उनकी हिफाजत करता है, जैसा आपने बताया तो आमून खुद अपनी हिफाजत के लिए काहिनों का मोहताज हुआ। तो इसमें क्या कबाहत है? आमून का शुमार सबसे ज्यादा कीमती और आम चीजों में होता है, हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। माफ कीजिएगा बानो, ये आमून था जो लोगों से मुखातिब था। क्या तुमने खुद नहीं देखा? हाँ देखा तो है, लेकिन एक पत्थर तो कलाम नहीं कर सकता ना। आमून पत्थर नहीं है, वो एक रूह है जो इस शक्ल में मुजस्सम होकर आता है। मैं माफी चाहता हूँ। आमून खुदावंद कुदरतमंद और बेनियाज है, लेकिन मैंने आज उसकी बहुत सी नियाजमंदियाँ देखी हैं। वो इस्तराहत का मोहताज था, वो लिबास और जेवरात और गुसल का भी मोहताज था, हत्ता कि हरकत करने के लिए भी काहिनों का मोहताज था। यहाँ तक कि वो अपनी हिफाजत भी खुद नहीं कर सकता, बल्कि दूसरों का मोहताज था। वो जाओ मकान जनो फर्जंद और बहुत सी दीगर चीजों का भी मोहताज था। यानी हम जो खुद से चलते फिरते हैं, लिबास पहनने सजने संवरने नहाने धोने पर कुदरत रखते हैं, आमून से ज्यादा बेनियाज और कुदरतमंद हैं? क्या नहीं है? मैंने खुद को उसके सामने आजिज महसूस किया। युजासिफ बजाहिर एक बच्चा है, मैं उसके कई एक सवाल के जवाब देने से कासिर थी, मेरे पास कोई जवाब न था। बहुत से जवाब तो खुद मेरे अपने लिए तसल्ली बख्श न थे। वो बहुत समझदार है। आप फिक्रमंद मत होइए, मैं उसे अपने साथ मोहब्बत ले जाकर खुद ही उसे सब कुछ सिखा दूंगा। सच कहूं तो मुझे भी आमून के हवाले से शक में डाल दिया है। तो यूं कहिए, शिकारी खुद शिकार का असीर हो गया। खाने का क्या हुआ? आज तो इतनी भूख है कि पूरा बकरा अकेले खा सकता हूं। खाना हाजिर है अली जनाब। बाबा ने अपना हुजरा खुद ही तामीर कर लिया और हमें मदद करने की इजाजत तक नहीं दी।
یہ میرا بیت الحزن ہے، وہ حجرہ جہاں میں اپنی باقی ماندہ عمر گزاروں گا اور یوسف کے فراق میں نوحہ کنا رہوں گا، اور اس کے انتظار میں یہی اور اسی جگہ نظر جمائے بیٹھا رہوں گا۔ بابا آپ کا کیا خیال ہے، میرا بھائی یوسف لوٹ کر آئے گا؟ بے شک میری بیٹی، ہمیں ہمیشہ اس کے لوٹنے کا منتظر رہنا چاہیے۔ آخر آپ یوسف کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ کس طرح بھول جاؤں؟ اگر وہ مر گیا ہوتا تو چند روز اس کا سوگ مناتا اور بات ختم ہو جاتی، لیکن اس وقت مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ ہمیشہ خود سے یہ پوچھتا رہتا ہوں کہ اس وقت وہ کیا کر رہا ہوگا، اس پر کیا مصیبت ٹوٹی ہے، کہیں رہزنوں کے ہتھے تو نہیں چڑھ گیا، کہیں مردہ فروشوں نے تو اسے نہیں اٹھا لیا، اسے گناہوں میں آلودہ تو نہیں کر دیا گیا۔ شکم سیر ہے یا بھوکا، تن پر کپڑے ہیں بھی یا نہیں۔ صبر کیجیے نبی خدا، کیوں خود کو اس قدر ہلکان کرتے ہیں؟ عزیزوں کی موت کے غم کی تو انتہا ہے، لیکن ہجر و فراق کا درد لا متناہی ہے۔ اس کے باوجود میں صبر اختیار کروں گا اور انتظار کروں گا۔ آمادہ ہے؟ جی علی جناب۔ اسے اپنے ہمراہ لے جانا کیا بہت ضروری ہے؟ ہاں، آمون ہوتب نے اس کی بہت تعریف سنی ہے، لہٰذا اسے آمون ہوتب کے پاس بھی لے جانا ہے اور مامو بھی۔ میرے خیال میں تو کوئی فائدہ نہیں، اسے محض ایک بچہ نہ سمجھیں۔ وہ تناوت درخت کی مانند نہیں ہے، وہ تو ابھی نوجوان ہے، لہٰذا بآسانی ڈھل سکتا ہے۔ اسے بتاؤں گا تو اسے مصر کے آئین کی عظمت اور شان و شوکت اندازہ ہو جائے گا۔ ہمارا یوزار سیف جوان آمادہ ہے؟ علی جناب، پوتیفار کی اطاعت کے لیے ہمیشہ آمادہ ہوں۔ یوزار سیف، بگی خطرناک سواری ہے، اپنا خیال رکھنا۔ اطاعت بانو حضور۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو جائیے، وہ میری بگی میں میرے ساتھ ہی ہوگا، آپ پریشان مت ہو۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ حرکت کرو۔ آمون کے سپاہی نہایت ہی خود سر فتنہ پرور ہے، یہ غلے کے گودام ہے معبد آمون کی ملکیت۔ مصر کے کل غلے کی ایک بڑی مقدار ہر سال یہاں ذخیرہ کی جاتی ہے۔ غالباً کہینوں کا پیٹ ابھی بھرنے والا نہیں ہے۔ باغ اور عورتیں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ بھی آمون ہی کی ملکیت ہے۔ آمون سے متعلق مزارے اور جانوروں کو میں نے پہلے بھی نیل کے کنارے دیکھا ہے۔ وہ موٹے تازے جانور جو تم دیکھ رہے ہو، یہ بھی کاہنوں کی پیٹ پوجا کے لیے ہے۔ کاہنہ نے معبد نہیں چاہیں گے کہ ان کے مفادات میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ حائل ہو۔
आमून के आइन से बेहतर कौन सा आइन उनके हक में हो सकता है। ये भी आमून के पैरोकारों को अपने गिर्द जमा करने का बेहतरीन तरीका है। हर गिरोह को मुती करने का अपना एक तरीका होता है, जिनमें से बाज नामो नमूद के बंदे हैं, बाज मालो दौलत के बंदे और बाज पेट पूजा के। लेकिन मिस्र के बहुत से लोग अब उनकी हकीकत जान चुके हैं और अब उनके फरेब में नहीं आते। मानो जुलेखा का ख्याल है कि जनाब पुतिफार चाहते हैं कि मुझे मिस्र के लोगों की अजमत और बुलंदी से आशना करें, लेकिन इसके बरक्स मैं चाहता हूं कि तुम्हें उनका ये खोखलापन और मिस्रों की आइन की खामियां दिखाऊं। फरमा रवाए मिस्र आमून होतब का कसर है। ये कौन लोग हैं? बजाहिर तो मिस्री नहीं लगते। ये लोग मुख्तलिफ ममालिक के सफीर और एलची हैं जो हुकूमत मिस्र के लिए सालाना खराज लाए। ये खराज क्या होता है? वो ममालिक जो हुकूमत मिस्र के जेर दस्त हैं उन्हें अपनी दरामदात और महसूलात में से खास मकदार हुकूमत मिस्र को अदा करनी होती है, ताकि हम दुश्मनों के हमले के मौके पर उनकी हिमायत करें। खराज लिए बगैर इनकी हिमायत नहीं की जा सकती? अगर ये बाज और खराज ना हो तो हुकूमत मिस्र का इस्तेकाम बरकरार नहीं रह सकता। हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। अली जनाब, रास्ता क्यों बंद किया है? इन्हें कहिए कि हमें जाने दें। ओ,
अगर आइंदा शहर में फितना फसाद बर्पा किया तो फिर तलवार की जबान में बात होगी, ना कि ताजियानों की जबान में। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। महबूत आमुन इस सहानत पर खामोश नहीं बैठेगा। अखमाऊ से कह देना कि आमून के सिपाहियों के वैश्विक पने को लगाम दें, वरना इससे कहीं ज्यादा सख्त और शदीद रद्द अमल पुतिफार की जानिब से होगा। हरकत करो। माबद आमून के गुस्ताख सरबाजों को सबक सिखाना चाहिए, वो कुछ ज्यादा ही गुस्ताख और बेबाक हो गए। क्या मैं भी आपकी तरह बहादुर और ताकतवर हो सकता हूँ? क्यों नहीं हो सकते? अगर शौक है तो रुदामून के पास जाकर मश किया करो, फनून हर्ब का सीखना तुम्हारे लिए जरूरी है। आली जनाब पुतिफार, खुदावन आमून मोहतब की खिदमत में शर्फ बारियाबी चाहते हैं। दरूद पर मुक्तदर आला, खुदावंदे मर्दम मिस्र और फरजंदे खुदायान आली जनाब आमून होता। दुरूद हो हमारे लायक फायक हाकिम जनाब पुतिफार अजीज मिस्र पर। पुतिफार जी आली जनाब, कहीं तुम अभी अभी कारखाना खुदावंद से तो नहीं आ रहे? मेरे खुदावंद जनाब आमून होतब के सिवा किसी को भी कारखाने खुदावंद में दाखिल की मजाल नहीं। मुझे लगा जैसे खुदाओं ने अपने हाथों से इस बच्चे को बनाया और तुम्हें अता किया है। ये गौहर नायाब कौन है? मेरा नया मसाहिब है, चंद रोज पहले ही खरीदा है। मसाहिब पुतिफार, तुम बच्चों की नहज पर आ गए हो या वो बड़ों का हम पल्ला है? बज़ाहिर बच्चा है लेकिन दर हकीकत बड़ा है, नुक्तदान और आकिल और दाना। ये कैसा दाना है जिसने अभी तक खुदावंदे मिस्र के रूबरू ताजीम करना भी नहीं सीखा? फिलहाल इसे कुछ सीखने की फुर्सत ही मुयस्सर नहीं है आली जनाब, इसे बख्श दीजिए। बरखुरदार, क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ आली जनाब, लेकिन मेरे अरबाब इख्तियार मुझे मिस्री जबान में यूजारसिफ कहते हैं। यूसुफ एक इब्रानी नाम है आली जनाब, यानी गम अंगेज और लफ्ज तासुफ से मुराद है। ये फरहत बख्श चेहरा और गम अंगेजी, यूजारसिफ नाम ज्यादा मुनासिब है।
बहुत खूब यूजार सी, पुतिफार का दावा है कि तुम एक नुक्तादान हो। तुम मिस्र की अजमत और बुलंदी और शान और शौकत को कैसा पाते हो? अगरचे बुजुर्गों के रूबरू इल्मियत का इजहार करना बेअदबी है, लेकिन अब जब के फरमारवा का हुक्म है तो बयान करता हूँ। मिस्र की अजमत और बुलंदी मेरे लिए काबिल ताज्जुब है, जो मुझे बुलंदों बाला पहाड़ों और ऊंची ऊंची चट्टानों की मिसल दिखाई देते हैं। लेकिन मेरी राय में सरसब्ज और छोटी छोटी पहाड़ियाँ उन बड़े बड़े पहाड़ों की निस्बत कहीं ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि उन पर जानवरों के चलने के लिए घास तो होती है। क्या वाकई तुम्हारी नजर में मिस्र की कुदरत और अजमत बुलंदों बाला पहाड़ों की मानिंद है? बिल्कुल ऐसा ही आली जनाब, लेकिन अगर कुदरत मजलूमों की दादरसी में सर्फ हो तो मुस्तहसन है। आफरीन आफरीन यूजार सीफ, तुमने साबित कर दिया कि जनाब पुतिफार का दावा बिला वजह नहीं। तुम्हारा ताजीम करना एक वली अहद के शाया निशान नहीं। जिसके रगों में खुदाओं का खून हो वो अपने बंदे की ताजीम नहीं किया करता। मैंने दानिस्ता ऐसा नहीं किया माँ, ना जाने क्यों मैं इसकी ताजीम बजा लाया। क्या जनाबे पुतिफार महज अपने मसाहिब का तारुफ कराने की गरज से यहाँ तशरीफ लाए थे? नहीं आली जनाब, दर हकीकत माबद आमून के सिपाहियों की खुद सरियों और फितना परवीनों की शिकायत की खत से हाजिर हुआ था। उमूमी शहराओं पर फितना और फसाद बर्पा करना अब इनका रोज का मामूल बन चुका है। उन्हें ना तो किसी का डर खौफ है और ना ही किसी कानून का लिहाज। इनकी सरकशी और कानून शितनी हद से बढ़ गई है। मुझे डर है कि अगर इनकी लगाम ना खींची गई तो वो हुकूमत मिस्र के खिलाफ तय कदम उठाने से दरेग नहीं करेंगे। आमून और कहना ने माबद की मुखालिफत करना कुफ्र है। आमून का मामला माबद के काहिनों से जुदा है। अगर हम आमून के मोतकिद हैं तो फिर हमें काहिनों की सरकशियों और फितना परवरियों की सरकूबी के लिए कोशा रहना होगा। लेकिन फिलहाल मैं उजरतबाजी के हक में नहीं। मेरे जहन में इनकी सरकूबी के लिए कुछ मंसूबे हैं। किसी मुनासिब वक्त और दुरुस्त फैसले तक नरमी से काम लो। तुम्हें खुद पर फख्र करना चाहिए, मैंने तुम जैसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। सिपास गुजार हूँ आली जनाब, मैंने भी आपसा मेहरबान और सखी इंसान नहीं देखा। अनकरीब सब जंग दरपेश है, तैयारी रखो।
مجمع عام میں سب کی نظروں کے سامنے مجھے تازیانے مارے. اگر میں پوتیفار کی جگہ ہوتا تو تم جیسے نالائق اور حقیر سپہ سالار کو مار دیتا. لیکن اس نے میری غفلت سے فائدہ اٹھایا. اگر میں اس کے ارادے بھاگ گیا ہوتا تو اسے مارنے کا موقع ہی نہ دیتا, ورنہ اس کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ مجھ سے ٹکر لے. تم اپنی گلی میں تو بڑے شیر ہو, لیکن پوٹیفار کی مقابلے میں ایک لومڑی سے زیادہ کچھ نہیں. بہت ہو چکی بکواس, اب یہ بکو کے کرنا کیا ہے؟ جو کتا اپنے گھر کے سامنے بھونکتا ہو اس سے کیا پوچھتے ہیں, میں کیا جانوں کہ کیا کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوٹیفار اور اس کے ارباب اختیار دونوں ہی خداؤں کے دشمن ہیں, خصوصاً آمون کے. لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کرے. یہ تو واضح ہے کہ کیا کرنا چاہیے, ان دونوں کو ہی سزا ملنی چاہیے, وہ بھی سخت ترین. اور ان میں سزا دینے کی کس میں ہمت ہے, تم میں یا تمہارے ان نالائق اور ڈرپوک سپاہیوں میں؟ میرے پاس اگر کثیر سپاہ ہوتی تو ٹپس کو اس کے منحوس وجود سے پاک کر دیتا. تم اگر مرد میدان ہوتے حاضر ثابت کر دیتے. پوتیفار اور ان کے حامی آمون ہو تب دونوں ہی صاحبان اقتدار اور قدرت مند ہیں, اور نہیں معلوم کہ معبد اور شاہی دربار کے مابین جنگ کی صورت میں جیت کس کی ہوگی. کون غالب رہے گا, کون مغلوب, بہتر ہوگا ان کے ساتھ نرمی سے کام لو جب تک مناسب وقت نہ آئے. رودمو. جی علی جناب. ایک ذہین اور لائق شاگرد اب دیکھنا ہے کہ کیا جوہر دکھاتے ہو. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوی اور شجاع بنے. مجھے کیا کرنا ہوگا جناب پوتیفار؟ جناب پوتیفار چاہتے ہیں کہ آپ یزارشی کو فنون حرب کی تربیت دیں. شمشیر بازی, تیر اندازی, نیزہ پھینکنا اور گھوڑ سواری وغیرہ کی تربیت دیں. اطمینان رکھو تمہاری یہ محنت رائے گا نہیں جائے گی. میں اپنی تمام تر کوششوں کو بھروا کار لا کر اس کی تربیت کروں گا. آپ اطمینان رکھیے علی جناب. آؤ میرے ساتھ. مشق کی تلوار. یہ تلوار ہے؟ یہ بچکانہ تلوار ہے. جو بھی تلوار ہاتھ میں لینے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے ابتدا میں اس چوبی تلوار سے مشق کرنا پڑتی ہے. تیار ہو؟ اپنا دفاع کرو. آفرین. تمہیں چاہیے کہ میری تلوار کے وار کو روکو. تیار ہو؟ اگر تلوار ہوتی تو اس وقت تمہارا پیٹ چاک کر دیا ہوتا. اب تم وار کرو. آپ پر وار کروں؟ ہاں, زور سے مارو. آپ کو درد ہو جائے گا, میرا دل نہیں مانتا. میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو. مارو. جی بہتر, آپ خود ایسا کہہ رہے ہیں.
आलिए जनाब पोतीफार तशरीफ ले आए हैं मानू तू। दरूद हो मेरे खुदावन आली जनाब पोतीफार पर। दरूद हो मेरी हसीन और जमील बानो सुलेखा पर। यहाँ क्या कर रही हैं? यूजार चीफ की शमशीर जनी का नजारा कर रही हैं। आज आपका शहर का दौरा कैसा रहा? अब उसे नाज और नाम छोड़कर जरा कवि होना चाहिए। आज वो आमून के सपाहियों के ताकुब और उनसे मुकाबले की सूरत हाल से सहम गया था। आपने आमून के सिपाहियों से टक्कर ली? आमून के सिपाहियों को लगाम डालना जरूरी था। इस कार्रवाई के बाद मैं और यूजार सीफ आमून होतब के कसर गए। आज यूजार सीफ ने मुझे सरफराज कर दी। वो बहुत जहीन और होशियार है। फरमा रवा के सवालात के जिम्मन में उसके मुनासिब और बजस्ता जवाब काबिले तहसीन थे। आमून होतब ने अपनी गर्दन से मोतियों की एक माला उसे बतौर इनाम हदिया की और नौजवान वली अहद आमून होतब ने वो माला यूजार सीफ की गर्दन में डाली। नहीं, ये नामुमकिन है। तमाम हाजरीन भी उस लम्हा आपकी तरह वर्ताए हैरत में थे। यूजार सीफ ने मुझे सरफराज कर दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि उसका वजूद हमारे लिए बहुत नफा बख्श होगा। मेरा ख्याल है वो बड़ा होकर एक शोराए आफाक हकीम और दाना होगा। मुझे तो उससे बहुत सी उम्मीदें वापस आई।